संग बहुत प्रभावी है। जैसा संग करेंगे जीवन में उसका असर आएगा। संग का प्रभाव बहुत रहता है, ध्यान में रखिए, इस संग का प्रभाव रहेगा। एक सामान्य उत्तर दे रहा हूं, सामान्य उदाहरण, चाय। आप आजकल चाय किसमें मिलती है? कागज के गिलास में, प्लास्टिक के गिलास में। अच्छा, आप चाय पी रहे हो और चाय में मक्खी गिर जाए, जल्दी बोलो, देखो देर मत किया करो, मक्खी फेंकोगे या गिलास? चाय फेंकोगे या मक्खी? चाय, मक्खी, गिलास सभी फेंक देंगे, पक्का। अच्छा मान लो घी में मक्खी गिर जाए, देखो अब चुप हो गए, है कितना फंसा हुआ मामला। मतलब चाय हल्का आदमी है तो फेंक देंगे और घी वजनदार है तो नहीं फेंकेंगे। इसका मतलब तुम्हारा संग किसके साथ है ये तय होगा कि आपका संग वजनदार के साथ है तो फायदे में हो, हल्के में है तो गड़बड़ है ना। इसलिए संग का प्रभाव हमेशा रहेगा। संग को हमेशा याद में रखिए, संग कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। संग अच्छा होगा, फायदा होगा। इसलिए भले लोगों का जब संग करोगे तो उनका संगठन मजबूत नहीं होता है, लेकिन फायदा होता है। क्योंकि सत्संग देर में प्रभाव करेगा और सत्संग जल्दी प्रभाव करेगा। दुर्गुण इकट्ठे रहते हैं और सद्गुण इकट्ठे हो ही नहीं सकते। चार पढ़े लिखे लोग कभी एक कमरे में नहीं रह सकते, सवेरे तक लड़ जाएंगे। मूर्ख 40 इकट्ठे कर दो नहीं लड़ेंगे, उनमें अलग अलग क्वालिटी है ना। जैसे आप 5 पंडित निमंत्रण करो, दुबे तिवारी मिश्रा पांडे, 5 कर दो, अलग अलग उनको खीर दो, अलग सब्जी दो, अलग उनको दाल दो और पूरी एक ही थाली में रख दो और फिर आप अलग बैठ के देखना तमाशा। अगर पहले पूरी तिवारी ने उठाई तो पांडे कहेंगे हम कंपला पटियारी के पांडे हैं, ये तो तिवारी दुबे से के हैं, हमने कैसे। मिश्रा कहेंगे हम तो साहब बिलसड़ वाले मिश्रा हैं, ये पांडे तो फरकाबादी हैं, ये तिवारी एटा के हैं, ये हल्के पंडित हैं। ऐसा तमाशा करेंगे का छोई पूरी ना उठावे। और दूसरी तरफ आप देख लो चिलम वाले 45 इकट्ठे करो, एक ही में चालू धोए नमाजे तुम्हारी कसम, इतना बढ़िया उनको संगठन है चिलम वाले को, वे तो मानते ही ना झूठी सकरी, वे तो कहा सब भाई भाई है सब। तो इसका मतलब है जो दुर्गुण है वो इकट्ठे रहते हैं, सदगुण इकट्ठे नहीं रहते, उनमें तो बिखराव होता ही होता है। तो जित संगो, संग का ध्यान रखिए। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतने के लिए हम नित्य जितना भगवान के निकट जाएंगे, भगवान के स्थूल रूप का चिंतन, कौन से देवता से क्या मिलता है, चतुष्लोकी भागवत का निरूपण, इसमें अहमे वासमे वाग्रे नान्यत सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत प्रतीयतः न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। ये माया का स्वरूप इसमें बताया चतुष्लोकी भागवत में। या माने जो, मां माने नहीं है, उसको बोलते हैं माया। है नहीं लेकिन सारी दुनिया को परेशान करती है। तो इस माया का इलाज कोई बुद्धिमान करेगा? नहीं। किसी ज्ञानी पे इलाज है? नहीं है। माया से तो ज्ञानी भी नहीं बच सकते, ना कोई ज्ञानी बचेगा और ना कोई बुद्धिमान बचेगा। क्योंकि माया के गणित में किसी की बुद्धि लग ही नहीं सकती। हम जितने बुद्धिमान लोग हैं, जितने यहां मेरे सामने बैठे, जितने लोग बुद्धिमान हैं, जब किसी के द्वारे घटना होगी तो हम सब यही समझाने जाते हैं, अरे छोड़ो, देखो फलाने कैसे हो गया, उनके हो गया फलाने, और रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा जब हमारे द्वारे होगा तो हम भी वही करेंगे जो वो कह रहा था। इसका मतलब ये माया का गणित है, इसमें बुद्धि लगेगी नहीं।